नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, कुवैत का वीज़ा वाला बड़ा लफड़ा यार, सब लोगों को वीज़ा मिल जाता है। आपने सबने देखा होगा, वीज़ा सबके पास होता है। जी हाँ, मैं इस वीज़ा की बात कर रहा हूँ भाई। सब लोगों को इतना फास्टली वीज़ा मिल जाता है, आप सोच नहीं सकते। रेजिडेंट बोलता है बस यूँ वीज़ा दे दिया, यूँ तेरा अग्रीमेंट, यूँ तेरी फ्लाइट, सब कुछ ओके है और आप तैयारी कर लो भाई कुवैत जाने की। जी हाँ, एक बंदे ने मुझे ये वीज़ा भेजा, उनसे बातचीत हुई डिटेल से, आपको मैं और भी बताने की कोशिश करूंगा भाई। जो कुवैत जाने वाले हैं उसकी कुछ एडवाइस भी देंगे, सलाह भी देंगे, समाधान भी करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, ये बंदा था पंजाब का, पंजाब की ऑफिस थी, उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा। बोला सर ये वीज़ा देखिए, मेरा वीज़ा आया है। मैं बोला भाई अच्छी बात है, आपका वीज़ा आया है तो इसको चेक तो क्या करें भाई, चेक तो हो जाता है, नाम नंबर तो आता नहीं है, वीज़ा नंबर डालोगे वो दिखा देगा, समझ गए। तो उसमें नाम नंबर तो दिखाता नहीं है, वीज़ा नंबर डालोगे वीज़ा एक्टिव दिखाता है तो उसको चेक तो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला और बताओ जो अंदर वाली बातें, एजेंट के साथ क्या डील हुई, एजेंट ने क्या बोला, क्या आपको दिया गया है, कौन से जॉब में जा रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, कितने इंटरव्यू वगैरह, पूरी हम डिटेल से बात करी। तो उसने बताया कि सर मैं स्टोर कीपर के जॉब में जा रहा हूँ, सैलरी मेरी 190 KD है, यानी 200 आप समझ सकते हैं, 200 KD स्टोर कीपर के जॉब में। मैं बोला भाई पहले कभी बाहर गए हो? बोला नहीं जी सर, पहले तो बाहर नहीं गया। अच्छी बात है। कितने पढ़े लिखे हो? बोला सर 8वीं पढ़ा लिखा हूँ। मैं बोला अच्छी बात है भाई, यानी आप सोचिए कि 8वीं तक पढ़े लिखे बंदे को कंपनी डायरेक्ट स्टोर कीपर के जॉब में 190 KD में अलाउ कर दिया। आप सोचिए, क्योंकि ऑफर लेटर तो था नहीं, तो ऑफर लेटर तो भाई मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ। मेरी उनसे बहस हुई, मैं बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता, रिटर्न आदमी होता है तो भी कंपनी इंटरव्यू लेती है, स्टोर कीपर का जॉब ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, स्टोर कीपर का जॉब नहीं मिलेगा आपको। बोला नहीं सर, एजेंट से बातचीत, तो बंदा कन्विंस हो गया। बोला ठीक है जी सर। बोला पैसे कल देने हैं मुझे, बंदे 500 रुपये तब देते हैं आप लोग, तब आपको एजेंट डंडा दे देता है कि कल की डेट में मुझे पैसे चाहिए, तब आपको लगता है यार 50,000 देने, इधर 500 दे देते हैं ठीक रहेगा, अभी तो 1100 रुपये है भाई। ठीक है जी, तब बंदे ने मुझे फीस डाली। बोला सर सुबह की टाइम, सुबह पेमेंट करना है, अभी मुझे रिप्लाई दो। तो मैंने शाम 7 बजे बंदे से बात करी, बंदे को मैंने समझाया। मैं बोला भाई आप 8वीं पढ़े लिखे बंदे, आपको हिंदी बोलना नहीं आता, वहाँ तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश में काम होगा, आप कैसे करोगे, कंपनी कैसे एक्सेप्ट कर सकती है आपको स्टोर कीपर के जॉब। बोला सर बात तो सही है, बंदा कन्विंस कर गया। सुबह फिर उसने एजेंट से बात की, 12 मिनट की उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी एजेंट के साथ में, यानी बंदे को कन्फ्यूज़ कर दिया। एजेंट बोलता रहा गारंटी है, लिखित में ले, ये ले, वो ले, कहीं पर भी सब कुछ कर ले भाई, वीज़ा तेरा ओरिजिनल है और ये स्टोर कीपर के जॉब में तू जाने वाला है, 1.5 लाख रुपये मुझे दे दे। यानी इतना ज़बरदस्ती करके बंदे को शार्प माइंड कर दिया जाता है, एकदम साफ क्लियर कि नहीं तेरे को जो बता रहा है वो झूठ बोल रहा है, ये काम तुझे होना ही है, ये सब कुछ तुझे मिल ही जाना है। तो अब तो भाई 2-3 दिन बंदे से मेरी बात हुई, मैंने बोला नहीं है, वो बोलता है नहीं है, यानी कन्फ्यूज़न था बंदा। अब आप जो लोग जो कुवैत में रहते हैं भाई, या फिर कुवैत में एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी देश में गए हैं तो आप बताइए कि 8वीं तक बंदा पढ़ा लिखा है और डायरेक्ट इंडिया से वहाँ पे स्टोर कीपर के जॉब में जा सकता है 190 KD तनख्वाह में, और वो भी लॉकडाउन का समय है। ये वीज़ा, ये ऑफर लेटर आए 1 महीने पहले की बात है, तब तो फ्लाइट भी ओपन होने की कोई संभावना नहीं थी, तब का ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ में आती है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, उनको सुपरवाइज़र, स्टोर कीपर या अच्छी अच्छी पोस्ट का ऑफर लेटर देकर, वीज़ा देकर पैसा लेने का काम करते हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है भाई। हमेशा मैन पावर ऑफिस से जाओगे तो ऐसा लफड़ा नहीं होगा 100%, मैन पावर होता है। लाइसेंस की बात कर रहा हूँ भाई, इंडिया में 1600 ही मैन पावर है, पूरी इंडिया में मात्र 1600 ऑफिस हैं, उनके द्वारा जाओगे तो आप बच सकते हो। इसमें भी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ये बुक आप खरीद सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है जी। इसमें पूरा मैन पावर ऑफिस कैसे, कहाँ, कौन से देश का मेडिकल होता है, पूरा सिस्टम दिया गया है। बुक बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, उसको फॉलो करें और ये बुक आप मंगवा सकते हैं। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आपका पैसा और आपका समय बच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।